मुझे पता है गाइस, ये मेरी गलती है कि मैंने आप लोग को नहीं बताया कि मेरी मंगनी हुई भी है। और इस बात पे मुझे बहुत 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 अजीब फील हो रहा है कि ये बात मैंने अपने फैंस से छुपाई। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी अबीके काशिफ खान, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अगेन आई एम हियर विद माय न्यू यूट्यूब वीडियो। ऐसे तो आप सब जानते ही होंगे कि आज की वीडियो किस मकसद से, क्योंकि थंबनेल और टाइटल जो है उससे आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन फिर भी एक दफा मैं आप सबको नहीं, अपने हेटर्स को हेलो बोल देती हूँ। क्या बोला तूने? आज की शाम मेरे हेटर्स के नाम। मगर क्यों? वैसे आप सबको पता है कि मैं अपनी जितनी भी वीडियोस बनाती हूँ वो मैं अपने फैंस रबीकियंस और रबीसेनियंस के लिए बनाती हूँ। लेकिन आज वाली जो वीडियो है ना, वो स्पेशली 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 मेरे हेटर्स के लिए है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस आईपैड में है सारे कमेंट्स, मतलब के सारे हेट कमेंट। या अल्लाह मुझे बचा ले। पहला कमेंट हमें किया है, मैं सोचू नाम नहीं बताऊं क्योंकि नाम बता के थोड़ा अजीब सा हो जाएगा, तो इसलिए लेट इट गो, सिर्फ कमेंट रीड करते हैं। योर एक्सेंट इज वेरी फेक। अच्छा, ओ माय गॉड। मारो मारो मुझे, मारो बीका, प्लीज ओवर एक्टिंग नहीं करो। अच्छा ना नहीं करे। हाँ यार, पता नहीं ऐसा क्यों है, सोच रही हूँ बोलना ही छोड़ देती हूँ, जिप लगा देती हूँ, चुप हो जाऊँ, फिर खुश हो जाओगे आप लोग। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। चुप हो जाना, आप लोगों को अच्छा लगेगा तो फिर मैं चुप हो जाती हूँ। कोई बात नहीं, इट्स ओके, आप लोग तो एटलीस्ट खुश हो जाओगे ना। सो नेक्स्ट कमेंट हमारे पास है, ओवर एक्टिंग की दुकान। गजब बेइज्जती है यार, आपने ये गलत बोला है, मैं ओवर एक्टिंग की दुकान नहीं हूँ, मैं ओवर एक्टिंग का पूरा शॉपिंग मॉल हूँ। जहाँ पे हर तरह की वैरायटी ओवर एक्टिंग की, अगर आप लोग को भी चाहिए ना तो आ जाना, मुफ्त में मिलेगी, सही पैसा होगा। थर्ड कमेंट हमारे पास है, नो टोंगी। तो कहना क्या चाहते हो? NOTONGI। कौन है ये लोग? ये क्या लिखा है यार? स्कूल खुल गए हैं, जाके स्कूल से पढ़ो, स्पेलिंग सीख के आओ, फिर यहाँ हेट कमेंट करना। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। नेक्स्ट कमेंट हमारे पास है, वीडियो बनाना बंद करो। पिंकी वाला प्रॉमिस कर रही हूँ, मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगी, लेकिन उससे पहले आप मेरी वीडियो देखना बंद कर दो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फिर पक्का पिंकी प्रॉमिस मैं भी बंद कर दूंगी। नेक्स्ट कमेंट हमारे पास है, आई हेट यू, व्हाट इज दिस, HAT, आई हेट यू टू। नेक्स्ट कमेंट हमारे पास है, आप अपनी एज के बारे में इतना झूठ क्यों बोलती हैं? Wait a minute, who are you? आप 17 साल की नहीं हैं। कुछ भी, 17 साल की ही हूँ, इस साल में पक्का पक्का वाला 18 साल की हो जाऊंगी। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि आप लोग यकीन क्यों नहीं करते, लेकिन कोई बात नहीं, अगर यकीन करो तो ठीक है, नहीं करो तो भी ठीक है, मैं 17 साल की हूँ और मैं इसमें खुश हूँ। नेक्स्ट कमेंट हमारे पास है, आपकी मंगनी 2 साल से हुई भी है। नहीं। और आपने ये बात अपने फ्रेंड से छुपाई भी है। शिट, अब ये किसने किया? हाँ मुझे तो मुझे पता है गाइस, ये मेरी गलती है कि मैंने आप लोग को नहीं बताया कि मेरी मंगनी हुई भी है। और इस बात पे मुझे बहुत 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 अजीब फील हो रहा है कि ये बात मैंने अपने फैंस से छुपाई। लेकिन अब खैर, ये सच आप लोग के सामने आ गया है तो अब कुछ नहीं कर सकते, अब मुझे आप लोग को सच बताना ही होगा और मिलवाना भी होगा अपने फियांसे से, मतलब अपने मंगेतर से, समझ रहे हो? वैसे मिलवाना नहीं होगा, मैं अपने मंगेतर के साथ ही बैठी हुई हूँ, ये है मेरे मंगेतर। कैसा लगा मेरा मजाक? हाय हाय रबीकियंस, ओ सॉरी, हाय हेटर्स, मिल दिए, ये मेरे मंगेतर है। मुझे आराम से
कमेंट हमारे पास है, आप अपनी हर बर्थडे में वलीमे वाला लुक क्यों दे देती हैं? बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। एक बात मेरी सुनो, मेरी जो बर्थडे होती है ना वो बहुत ग्रैंड होती है। एक तो मैं अपने घर की इकलौती लड़की, ऊपर से मेरे फैंस को बहुत पसंद है कि मैं अपने स्पेशल डे को और ज्यादा स्पेशल बनाऊं, तो शायद मैं इसलिए भी बहुत ज्यादा तैयार होती हूँ। लेकिन अगर आप लोग को याद नहीं है तो मैं आप लोग को याद दिला देती हूँ कि मैंने अपनी दोनों बर्थडेज में सिंड्रेला और प्रिंसेस वाला लुक दिया था। अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ। देखिए आप लोगों ने याद आया, ये भी सोच रही थी कि क्या लड़कियां अपने वलीमे में प्रिंसेस की तरह तैयार होती हैं, सिंड्रेला लुक देती हैं, बार्बी लुक देती हैं। वाकई नहीं ना, वैसे जो देती है ना वो शायद मुझसे इंस्पायर है। अब मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? लेट इट गो। वैसे आज की जो वीडियो थी वो थी रिएक्टिंग ऑन हेट कॉमेंट्स, पर मैं आप लोग को एक बात बताऊं, आप किसी को हेट देते हो और आपको ऐसा लगता है कि सामने वाले बंदे को हम हेट देंगे तो शायद वो अपनी मंजिल छोड़ के चला जाएगा, शायद वो अपना काम छोड़ देगा, शायद वो चीजें दिल पर लेगा। कमेंट से बहुत बुरा लगता है, बहुत हर्ट होते फील होता है कि यार ऐसा क्यों, पर इट्स ओके। आज मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात करूंगी। 2 दिन की जिंदगी है, हंसते मुस्कुराते जियो, क्या पता कल हो या ना हो। किसी को हेट मत दो, अगर आपको कोई नहीं पसंद आप उनको मत देखो, छोड़ दो। खैर आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर पसंद आई वीडियो तो कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर किसी को मेरी बात बहुत बुरी लगी तो आई एम रियली 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 वेरी सॉरी। बस सपोर्ट करते रहो जिस तरह से आप लोग करते हो। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी बहुत बड़ा धमाका। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय। Like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Lots of love.